रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे थे अपन ई वाले को, ठीक है ना। तो ई वाले में जो जो रिएक्शन गिवन है बेसिक मीडियम में, वो अपन ई वाला कर लेते हैं। तो मैं ई वाला आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो ई वाला बैलेंसिंग करके CuNH3O4, ठीक है ना, +2, ये ना ब्लू कलर सोल्यूशन होता है, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन, ठीक है ना। कॉपर का अमोनियम के साथ एक्वस कॉम्प्लेक्स जो बनाता है वो डीप ब्लू कलर सोल्यूशन होता है। फिर अपन का गिवन है S42, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये भी एक्वस मीडियम है, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी मतलब अपन को पूछेंगे ना, जितने भी रिएजेंट लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, सबके सब एक्वस मीडियम में ही होने चाहिए, ठीक है। या तो कोई प्रेसिपिटेट है तो प्रेसिपिटेट लिख देंगे भाई, कॉपर है, सॉलिड है और अमोनिया विच इज अ गैस विच इज गिवन टू अस। ये अपन को रिएक्शन में गिवन है, चार्जेस मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली लिखे हुए, रिएक्शन मैंने लिख दिया। सबसे पहले तो अपन को यही चेक कर लेना चाहिए कि मैंने रिएक्शन ठीक से लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं अपन क्या करना है। पहले इसको बैलेंस कर देते हैं क्योंकि इसमें सल्फर है ना, क्योंकि इसका इसके साथ बैलेंसिंग कर लेते हैं, और इसमें कॉपर और अमोनिया दोनों है, तो फिर इसका इसके साथ बैलेंसिंग कर देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। अब ये तो बड़ा ईजी है अपने लिए, कैसे एक रिएक्टर को लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था H2O4 2-, ठीक है, और प्लस मैं लिखता हूँ दैट इज, इसको अगर अपन लिखेंगे SO3 2-। अब क्या करना है, पहले एटम बैलेंस करने अदर देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो पहले सल्फर को बैलेंस करो, कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो यहाँ ऑक्सीजन कम है, कितने कम है ऑक्सीजन 2। चलो भाई ऑक्सीजन को अपन ने ऐड कर दिया, H2 ऐड किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अपने, हो गया ना ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब अपन को बेसिक मीडियम में बस एक ही चेंज था अपन ने जो लिखा था, हाउ टू बैलेंस द ऑक्सीजन। तो अपन ने कहा था जिस तरफ ऑक्सीजन, हाउ टू बैलेंस द हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीजन तो अपन को पता है क्योंकि वाटर से बैलेंस होता है, इसलिए ऑक्सीजन के बारे में अपन नहीं लिखने वाले, बस डिफरेंस क्या होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बैलेंसिंग में। तो ऑक्सीजन भी हाइड्रो ऑक्सीजन के बैलेंसिंग को भी अपन उसको निगलेक्ट कर दिया, अपन ने तो सिर्फ किससे किया हाइड्रोजन का बैलेंसिंग। तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन जिस तरफ हाइड्रोजन एक्सेस में है, राइट ना, जिस तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेस में है उसी तरफ आप OH ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो उस तरफ, सेम साइड, सो ऐड OH ऑन सेम साइड, है ना, सेम साइड में ऐड कर लो आप ये। अगर सेम साइड पे ऐड करोगे तो दूसरी साइड क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और वाटर न्यूट्रल होता है तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन है लेकिन इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो बैलेंस कैसे करेंगे हाइड्रोजन को, जिस तरफ जितना हाइड्रोजन ज्यादा है, कितना हाइड्रोजन ज्यादा है 2, 4 जब 2, 2 जब 4, तो अपन अब 2, 2 जब 4 मतलब 4 है, ठीक है, तो 4 तो 4 OH ऐड कर लेते हैं अपन, तो अपन ने 4 OH माइनस साइन ऐड किए, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम और 4 OH कितना क्या बना देंगे अपन को, 4H2 बना देंगे। लो भाई आपका क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया, हाफ रिएक्शन बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब अपन को चार्ज बैलेंस करना है, अब देखना कैसे अपन चार्ज बैलेंस करेंगे, ये -4, ठीक है, ये -4, ये पूरा मॉलिक्यूल पे -2, ठीक है, ये 2 × 2, 2 − 2, तो ये कितना हो गया -4। अब क्या करें, -4 − 4 तो बैलेंस है दोनों तरफ, -2 को और बैलेंस कर दो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाए, राइट ना, हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाए अपना। तो क्या करें, इधर टोटल -6 है लेकिन इधर -4 है, तो उधर भी -6 कर देते हैं, क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा और वो है नेगेटिव चार्ज। तो अपन क्या करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा, -2, तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाएगा, -6 -6। समझ में आया अपन को, ठीक है भाई। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स, तो मैंने दूसरा लिया, कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स में क्या करना है अपन को, ये तो बड़ा इजी लग रहा है यार मुझे,
ये तो कॉपर बैलेंस करने के लिए मैं जो कॉपर लेके आऊंगा है ना, और अमोनिया बैलेंस करने के लिए मुझे राइट साइड में अमोनिया लेना पड़ेगा, अमोनिया लेना पड़ेगा, अमोनिया 4 ले लो, अमोनिया NH3 ना, इसको 4 टाइम्स ले लो, तो ये 4 बैलेंस हो गया। बस अपन को क्या बचा हुआ है बैलेंस करने के लिए, इसमें तो पहले से ही बैलेंस है सब कुछ, कॉपर एक इधर है एक उधर है, 4 अमोनिया इधर है, 4 अपन ने इधर कर दिए, बचा क्या फिर, चार्ज बैलेंस है, इधर +2 है इधर 0 है, इधर 0 चार्ज है इधर +2 चार्ज है, तो दोनों तरफ 0 कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है हमारे पास चार्ज बैलेंस करने के लिए। लो भाई यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिवाइड बाय सबको, दोनों को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 हो गया, ये तो बड़ा इजी था, इसको ऐड कर दो दोनों को तो रिएक्शन आ गया, क्योंकि 1 से 1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, इसका मतलब है रिएक्शन को अपन बस जो रिएक्शन अपन ने लिख लिया है उसी रिएक्शन को आप ऐड कर दो तो अपना बैलेंस हो गया रिएक्शन, चार्ज बैलेंसिंग में गड़बड़ नहीं करना था, ठीक है ना, तो लो भाई रिएक्शन ही बैलेंस हो गया अपना, तो बड़ा इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है ये ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, अपन कहेंगे पहले पर इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को कैंसिल कर लें, ये इधर है और इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, मेरे ख्याल से और वाटर मॉलिक्यूल नहीं था इसलिए मैंने बैलेंस कर लिया, तो अपन क्या करें अपन इसको ऐसे बैलेंस कर लें, ये हो गया पहले इसी को लिख लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गई होगी तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स लिख लेता हूँ, ये कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कितना होगा H2O4 2- हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 4OH- बचे हुए, तो 4OH- हो गए, और इधर राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ SO32- हो गया, फिर क्या बचा हुआ है कॉपर +2 NH3 और +2 वाटर, 4 NH3 और +2 वाटर बचा हुआ है, लो भाई आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, इसी को तो कहते हैं, सबको समझ में आया, किसी को डाउट है तो बोल लो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है ना, अब मैं इसको हटाता हूं और मैं आपको ना एक रिएक्शन और बैलेंस करके दूंगा, ठीक है, मैं आपको एक रिएक्शन और बैलेंस करके दिखाता हूँ, राइट? अब एक रिएक्शन में जो गिवन है मैं किसी मीडियम में कर देता हूँ, उसको एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में डजंट मैटर, अपन उसे बैलेंस करना देखते हैं कैसे करना है, मेरे पास एक रिएक्शन गिवन है बैलेंस का रिएक्शन, और अगर आपकी मर्जी आप बता दोगे कि इस मीडियम में बैलेंस कर दूं, मैं उसी में बैलेंस कर देता हूँ, किस में बैलेंस करूं एसिडिक या बेसिक, ये तुम्हारा चॉइस है, बेसिक बेसिक कर देता है, ठीक है, ये लो बैलेंस का रिडॉक्स रिएक्शन, और मुझे रिएक्शन ऐसे क्या, C2O4 2- Cr2O7 2- मैं बेसिक मीडियम ले रहा हूं, अब मैं यहां पर OH- ही नहीं लिख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, और मुझे गिवन है Cr+3+ अच्छा क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं, अरे नहीं रुको 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 रुको, ओ मैंने थोड़ा वैसे लिख लिया ना, मुझे लगा मुझे काफी सारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना वो स्कूल में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने कहा था ना आपसे कि अपन स्कूल में लिखने वाला एक मेथड अपन लिखेंगे जैसे आपको स्कूल में लिखना है, क्योंकि अगर जैसे अपन ने अभी लिखा अगर वैसे स्कूल में लिखोगे तो वो मार्क्स नहीं देने वाले अपन को, तो स्कूल में सारा पार्ट लिखना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पर एक्चुअली स्कूल में काफी ज्यादा लिखना होता है ना, इसलिए मैंने लिखा कि बिकॉज मुझे काफी सारा स्पेस चाहिए होगा, तो अपन लिखते हैं Cr2O7 2- लिख लेते हैं, और फिर ये CO2 में कन्वर्ट होता है ऑक्सलेट हमेशा, और ये बेसिक मीडियम में CrO4 2- लो भाई अब
कौन किस में कन्वर्ट होता है अभी अपन को जानने की जरूरत नहीं, अभी हमें यह क्वेश्चन स्कूल में गिवन होगा और हमें कैसे लिखना है वो बता रहा हूं मैं आपको। बैलेंसिंग मैंने आपको बता रखी है, मैं आपको स्कूल के हिसाब से बता रहा हूं। अब स्कूल में जो अपने पास है तो बैलेंसिंग में स्टेप्स लिखे थे, स्टेप्स टू बैलेंस द रियल, बैलेंस द रियल, ठीक है। आप स्कूल में बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूं। डिवाइड द रिएक्शन इन टू पार्ट्स, रिएक्शन इन टू पार्ट्स, हाफ रिएक्शन, टू हाफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन अब अपन यहां पर लिखेंगे, एक फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो इसमें एक रिडक्शन हाफ होगा और एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा। अब हो सकता है कि आपको रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ समझ में आए, तो आप ना इस वाले पार्ट को पहले नहीं लिखना, इसको सिर्फ हाफ रिएक्शन लिखना। कैसे अपन क्या करेंगे, अपन फर्स्ट हाफ रिएक्शन एक ऐसे कर लेंगे जैसे अपन को करना है कि भाई अपन ने कहा कि भाई Cr2O7 2 नेगेटिव Cr4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, और दूसरा हाफ लिख लेंगे अपन C2O4 2 नेगेटिव और एक CO2 में कन्वर्ट होता है। ये मैंने रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ ही लिखे हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपके हिसाब से बता रहा हूं कि आप इसको नहीं लिखना और इस स्पेस को लेकर रखना, क्यों, क्योंकि अपन क्या करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो रिडक्शन हाफ हो जाएगा, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन हाफ हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन अपन राइट हैंड साइड में लिखेंगे वो ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा, राइट, तो अपन उसे ऑक्सीडेशन हाफ बोलेंगे, ठीक है। तो अभी तो अपन उसे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ आप बाद में लिख सकते हैं। अपन क्या करेंगे इसमें, we'll write like this, that is अपने पास जैसे given है Cr2O7 2 negative और Cr4 2 negative, अपन C2O4 2 negative and CO2 ऐसे given है, तो अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को लिख लो ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे आया या इसमें इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे आया, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिडक्शन हाफ है और कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, इसलिए अपन इस पार्ट को छोड़ देंगे, लेकिन बाद में आप लिख देना और हाफ भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो अपन क्या करेंगे, पहले फिर लिखना पड़ेगा आपको Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू Cr4 2 नेगेटिव, और इसको पहले बैलेंस कर देते हैं तो ये बैलेंस हो गया, इस फिर इसको बैलेंस कर देते हैं C2O4 2 नेगेटिव और ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब इसमें भी अपन को लिखना पड़ेगा रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ सब में लिखना पड़ेगा, फिर अपन कहेंगे बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O अनसुटेबल साइड, सुटेबल साइड। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो अपन ने लिखा Cr2O7 2 नेगेटिव गेट कन्वर्ट्स इनटू Cr4O2 नेगेटिव, तो इधर 7 है और इधर 8 है, तो इधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेते हैं, लो भाई ऐड हो गया, बैलेंस हो गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं Cr2O7 के बाद C2O4 कर लेते हैं, ये 2 नेगेटिव और ये CO2 के बाद ये 12 था, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहां पर कुछ भी बैलेंस नहीं कर रहा था, यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां भी 4 ऑक्सीजन है, राइट। अब अपन क्या करेंगे ना, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, तो बैलेंस द हाइड्रोजन एटम लिखना है, तो अपन ऐसे फोर्थ ना बैलेंस हाइड्रोजन एटम एच एटम
adding OH minus ion, मतलब by adding OH on the same side where hydrogen is in excess, by adding, है ना, by adding OH on same side where hydrogen is in excess, where H atom is excess, ठीक है ना, जहां पर हाइड्रोजन एटम आपका एक्सेस है, इज इन एक्सेस, वहीं पे ऐड कर देंगे। तो ठीक है भाई, आपने लिखा H2O प्लस ये रिएक्शन था आपके पास Cr2O7 टू नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू ट्वाइस ऑफ Cr4 टू नेगेटिव, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, अपन क्या करेंगे इसमें, अब अपन को इधर दो हाइड्रोजन एटम है, इधर कोई भी हाइड्रोजन एटम है, तो आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए OH ऐड करना है ऑन द सेम साइड वेयर द हाइड्रोजन इज इन एक्सेस। इधर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो क्या करें अपन, ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन ऐड करें, वो 20H ना लिया इसलिए थोड़ा दूर लेकर ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन। तो इसके दो हाइड्रोजन, इसके दो OH और इसके दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, टू वाटर मॉलिक्यूल। ये लो भाई हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। अपन इस टू वाटर मॉलिक्यूल को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, है ना, अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन ऐसे लिख लेते हैं वो दिखे आपको, मे बी पॉसिबल नहीं दिख रहा होगा तो प्रॉब्लम आएगा। अब क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करो। देखो इस आयन पे ना, इस पे तो अपने पास माइनस टू चार्ज है ना, ये तो शुरू में ही था अपने पास माइनस टू चार्ज था, तो ये पूरा मॉलिक्यूल पे माइनस टू चार्ज है। तो एक बार मैं चार्ज बैलेंसिंग के लिए वाटर को यहां से अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, तो आइजो एच टू है, यहां पर माइनस टू चार्ज होगा, लेकिन ये टू इन टू करना पड़ेगा ना अपन को, क्योंकि इसके दो मोल्स है ना, ये वाला मैंने टू मोल्स किया, टू से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो ये अपने पास कितना आया, माइनस फोर। अब ऐसे लिखना नहीं चार्ज को, आपको डायरेक्टली नंबर लिखना है, ये ऐसे नहीं करना है आपको, अगर ऐसे लिखोगे तो फिर वो गलत है, ठीक है ना, आपको डायरेक्टली ये तो मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको पता रहे कि कहां चार्ज है, ये माइनस टू है और ये भी माइनस टू है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास चार्ज बैलेंसिंग में। अच्छा मैंने तो थोड़ा सा इसको ना ओ थ्री कर लेता है, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा फिर तो सारा, क्या कर दिया मैंने, अच्छा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पर ध्यान नहीं दिया मैंने, ये प्लस सिक्स था और इसको भी प्लस सिक्स रखा, गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। अपन क्या करेंगे, क्योंकि अगर इसमें चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होगा, अगर चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है तो अपन इसको रिडॉक्स नहीं बोल पाएंगे, अगर हाँ इलेक्ट्रॉन तो ऐड करना ही पड़ेगा, मेरा पूरा क्वेश्चन मजा आ गया, क्या बात है, अरे सब मतलब ब्लडर मिस्टेक क्यों किया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, एक्चुअली मैंने बस इतना ध्यान रखा कि बेसिक मीडियम में ये क्रोमियम प्लस सिक्स में कन्वर्ट होता है, तो मैंने उसके हिसाब से उसको ऐड कर दिया। अच्छा लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज अभी तो रिडॉक्स बताना था ना, मैंने उसके हिसाब से ले लिया कि K2Cr2O7 ना, ये Cr2O7 एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है और ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, और उसके हिसाब से रिएक्शन ले लिया, लेकिन रिडॉक्स नहीं देखा मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं किया। तो अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करना ही होगा ना अपन को, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, और वो बैलेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी प्लस सिक्स है, तो वहां तो गड़बड़ होगी अपन से। चलो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, इसमें तो चार्ज बैलेंस है, लेकिन अपन फिर कैसे लिखेंगे, कैसे मेथड तो बता दिया आपने, लेकिन एक ठीक ठाक रिएक्शन तो बताओ, रुक जाकर, ठीक है अपन इसमें क्या करेंगे ना, यहां पर तो अपन ने OH से रिएक्शन लिख दिया, लेकिन फिर बैलेंस रिएक्शन कैसे पहुंचोगे, ये स्टेप तो बता दोगे आप, फाइव स्टेप फाइव सिक्स स्टेप जो भी होगा, बैलेंस रिएक्शन तक नहीं जा पाएगा, क्या करें,
चेंज करो, रेडॉक्स बनाओ, बनाना ही पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने इसको रेडॉक्स बना लिया, मुझसे गलती हुई, मैंने उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक नहीं किया ना, ये मेरी गलती थी, मैं इसको ना रेडॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने पता क्या सोचा और मैंने जल्दी से उसको बैलेंस कर दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, एसिडिक मीडियम में ये स्टेबल होता है क्रोमियम का ऑक्साइड, और बेसिक मीडियम में ये स्टेबल होता है क्रोमियम का ऑक्साइड, ये क्रोमियम का ऑक्साइड स्टेबल है। तो मुझसे ये गड़बड़ हो गई कि मैंने सोचा कि भाई अच्छा ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये है और बेसिक मीडियम में ये स्टेबल है, तो मैंने चलो यही दे देते यार कंपाउंड, राइट ना, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन चाहता था जिसमें आयंस वाइंस हो, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का लगे कंपाउंड। लेकिन मैं ये वहां पर चेक करना भूल गया कि भैया ये तो चेक कर लो कि ये दोनों ही प्लस सिक्स है, तो इनमें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा अगर इसमें कन्वर्ट करोगे तो, ये स्टेबिलिटी है अलग अलग। रेडॉक्स के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, आपको ये चेंज करने पड़ेंगे तभी वो रेडॉक्स होगा, नहीं तो रेडॉक्स नहीं होगा। अगर चार्ज बैलेंसिंग में जीरो आ रहा है इसका मतलब इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, राइट ना, तो मैं वो चेंज नहीं कर पाया, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा वरना अच्छा नहीं होगा रिएक्शन, फिर ये रेडॉक्स नहीं होगा तो अपन कैसे करेंगे, है ना। क्या करें अपन, तो कुछ अपन को पूछा किसी ने, करो देख लेते हैं एक बार, सर मेन डिवाइस चेंज करके आया है, आया नहीं, नहीं अपन को चेंज तो करना पड़ेगा, चेंज करने के बगैर नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको हटाते हैं, ये प्लस थ्री लिखते हैं, कोई बात नहीं, अभी अपन ज्यादा कुछ मतलब रिएक्शन बैलेंस थोड़ी कर लिए, इसको हटा देते हैं, ये प्लस थ्री लिखते हैं, और इसको हटा देते हैं, इसको प्लस थ्री लिखते हैं, ठीक है। अभी तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, तो अभी तो बैलेंसिंग के लिए अपन को वाटर ऐड करना पड़ेगा, फिर इधर से अपन को चेंज करना पड़ेगा, क्रोमियम बैलेंस है 7H2 ऐड करने पड़ेगा, ये लो भाई इस वाले पार्ट में चेंज हो रहा है, देख लेना आप, है इस वाले पार्ट में चेंज किया, मतलब इधर वाले पार्ट में रिएक्शन में चेंज हो रहा है, बाकी सारा का सारा वैसे, बस वो सीआर प्लस थ्री लिखेंगे, तो वो एक बार कर लो क्योंकि वो गलती हुई, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिडिक मीडियम में कौन स्टेबल होता है, बेसिक मीडियम में कौन स्टेबल होता है, वो बिल्कुल अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बताऊंगा मैं बाद में कैसे होता है, और पीएच वीएच सब काफी इन्वॉल्व होता है। अपन क्या करेंगे, ठीक है अब तो अपन को इसमें भी फिर चेंज करना पड़ेगा, अब वेट करना पड़ेगा फिर तो अपन को ये, लेकिन अपन को पूरा चेंज करना पड़ेगा। पूरा चेंज क्यों, क्योंकि अब तो आप मुझे बताने वाले हो CrO4 Cr2O7 टू नेगेटिव को आप कन्वर्ट करने वाले हो ट्वाइस ऑफ Cr+3, इसको भी ना अपन थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट रुकना है, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए, फिर बना वो जो बार बार वो देखना पड़ता है कि तुमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो फिर अपन लिखते हैं भाई Cr2O7, ये हाफ रिएक्शन, ये ऐसे लिखे लिखे रहेंगे, जो पॉइंट्स मैंने लिखे ना स्कूल के लिए वो पॉइंट्स वैसे ही रहेंगे, पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन लिखेंगे Cr2O7, ठीक है, Cr2O7 टू नेगेटिव को आपने ट्वाइस ऑफ Cr+3 लिखा और +7, है ना, +3 लिखा और +7H2 लिखा। आप क्या करें, तो भाई देखो आपने क्या लिखा यहाँ पर कि OH कहाँ ऐड करना है, सेम साइड पे ऐड करना है, कर देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो 14 OH माइनस साइन होगा। अब एक मिनट रुकना है क्योंकि वो सब विजिबिलिटी, 14 OH माइनस साइन हो गया अपने पास, मेरे ख्याल से सबको विजिबल होगा, किसी को अगर विजिबल नहीं है तो वो बता सकता है, सबको दिख रहा है, चलो देखते हैं, राइट अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपन लिखेंगे दैट इज 14 OH माइनस साइन हो गया। तो अब क्या करें, चार्ज बैलेंस करो, क्योंकि आपने OH माइनस साइन ऐड किए, इधर 7H और इधर 7, तो इधर आप क्या ऐड कर लोगे, क्योंकि 7 इधर 14H थे इस थे ना, और आपने 14 OH भी ऐड किए, तो अब क्या होने वाला है, ये दोनों मिलके
14H2 बनने वाला है, ये बन गया। समझ गया ना, किसी को डाउट नहीं? और मैं एक बार और बताऊंगा इसको, वो इसलिए ना कि मैं ना अब क्या करता हूँ, ठीक है इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हाफ रिएक्शन अपने को पता है, ये डिवाइड किया हाफ रिएक्शन, ठीक है ये हाफ रिएक्शन, वो इसलिए ना मुझे थोड़ा और दिखेगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा, अगर नहीं दिखेगा तो गड़बड़ होगा। मैं फिर से लिखता हूँ, तो अपने लिखा Cr2 2-, ठीक है भाई कौन अनम्यूट है, Cr2O7 2-, यहाँ से अपन ने ट्वाइस ऑफ Cr+3 लिखा और +7H2 लिखा था अपन ने, अपन क्या बैलेंस कर रहे थे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, जिस तरफ जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही उधर OH ऐड कर दो, कर देते हैं किस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा, तो अपन को दिख रहा है भाई 7 × H2 ना, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, अगर 14H इधर ज्यादा है तो मैं क्या ऐड करूंगा 14 ही OH ऐड कर दूंगा, ये 14 OH ऐड कर दिया, ठीक है अगर 14 OH ऐड करोगे तो ये वाले 14 हाइड्रोजन, अपन को पता है 14 हाइड्रोजन एक्सेस में थे इसलिए अपन ने वहां पर क्या ऐड किया 14 OH ऐड किया, और 14H और 14 OH मिलके क्या बन जाएंगे 14H2, तो अपन क्या करेंगे इस तरफ 14H2 ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो अपन यहां पर क्या ऐड कर दें 14H2 ऐड कर दो, ये लो किसी को डाउट नहीं। अब चार्ज बैलेंस कर देते हैं, चार्ज बैलेंसिंग के लिए अपन क्या करेंगे, ये -2 है ये +6 है क्योंकि 2 × +3 +6 है और ये -14 है, तो अपन चार्ज कर, अब चार्ज बैलेंसिंग के लिए अपन कहेंगे भाई देखो -14 ये तो अभी +4 है, +4 हो जाएगा ना, इधर अपने पास क्या बचेगा +4 बचेगा, इधर तो -14 और इधर +4 है, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें और किस तरफ ऐड करें ये बताना है आपको, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें और किस तरफ ऐड करें सो दैट ये बैलेंस हो जाए, तो पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है कोई बात नहीं, आप देखो भाई कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अच्छा एक और बात बड़ी अच्छी बात है, क्या बात है, इधर -2 है उधर +4 कैसे बचा, इधर माइनस इधर तो +6 है ना, और वो +6 किस तरफ वाला है, इधर छोटा लिखने में बस यही बात होता है, कॉर्नर में लिख रहा हूं ना, मुझे लग रहा है ये भी दिखे और वो भी दिखे तुमको, ठीक है ना, तो बोलिए ये वाला जो +6 है वो इस तरफ वाला थोड़ी है, वो तो राइट हैंड साइड वाला है, तो मैं तो इस तरफ अज्यूम कर रहा था उसे, अपने पास ये -2 है इधर और इधर टोटल कितना बचा हुआ है अपने पास, ये वाला है राइट हैंड साइड वाला, ये तो सारा ये अपने पास बचा हुआ है कितना -8, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करें कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना अपन को बैलेंस करने के लिए, तो उधर -8 है इधर -2 है इधर ही -6 ऐड कर दो, -6 ऐड करोगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे -8 हो जाए, बैलेंस हो गया, तो फिर क्या करें इधर -6 ऐड करके, तो +6 इलेक्ट्रॉन ऐड, अब ऐसे कुछ भी लिखना नहीं उधर प्लस माइनस, ऐसे आपको डायरेक्टली ऐसे लिखना है, तो आप ये बैलेंस कर दो, सबको समझ गया, और अपन फिर क्या करेंगे इसको मैं हटा देता हूं और फिर अपन दूसरा रिएक्शन, सबको समझ में आया या मुझे रिपीट करना है, अब अगर रिपीट करना है तो मैं फिर इसको हटा के रिपीट करूंगा क्योंकि उधर कॉर्नर में सब गड़बड़ हो जाएगी, और आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को डाउट है एवरीबॉडी गॉट इट, चलो फिर तो ठीक है। अब ये पता चल गया अपन को कि इस वाले रिएक्शन में ना लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड किए, मतलब यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरी तरफ क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर ट्वाइस ऑफ CO2 था, चलो 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं क्योंकि यहां 2 नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल था, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो राइट हैंड साइड है, तो अपन को पता चल गया ये आपका रिडक्शन होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये आपका ऑक्सीडेशन,
और ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ, ये सभी में लिखना पड़ेगा आपको, ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, अब वो लिखते रहना स्कूल में, ठीक है। अब क्या करें, अब अपन लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, राइट। सो टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन प्रोसेस इक्वल टू गेन इन प्रोसेस, मल्टीप्लाई द टू हाफ रिएक्शन, टू हाफ रिएक्शन बाय सूटेबल नंबर, सूटेबल नंबर। चलो भाई तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं इधर लिखूंगा, मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि उधर लिखने से वो काफी वैसे हो रहा है, तो मुझे दो बार लिखना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे लगता है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इस तरफ लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। बाकी पॉइंट्स तो अपन ने लिख ही लिए, अपन को जरूरत नहीं है बाकी पॉइंट्स की, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे विद द राइट सुटेबल नंबर। तो अपने पास क्या बचा था, अपने पास था Sn 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव और gives you twice of Cr plus 3 plus 7H2O plus 14OH minus I, OH minus I, ये रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन था अपने पास, तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं ऊपर और दूसरा रिएक्शन था अपने पास, ये 14OH minus I था, दूसरा रिएक्शन था अपने पास 2 C2O4 2 नेगेटिव, ये CO2 में कन्वर्ट हुआ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा। आप क्या करें, इस पॉइंट पे लिख रहे ना अपन ये, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से। तो अपन को पता है जब दोनों इवन नंबर्स होते हैं तो इनको ना मिनिमम रेशियो में बनाना होता है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट, वो 3 हो गया, वो 1 हो गया। अब क्या करना है, पॉइंट नंबर 6, एट द अबव टू रिएक्शंस, द अबव टू रिएक्शंस, टू रिएक्शन, अब इनको ऐड कर लो आप, अब ऐड करोगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली बात है इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो चलो भाई टू रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं, ये 14H2O था है, तो अपन ऐड कर लेते हैं दो रिएक्शंस को, तो लो भाई ऐड कर दिया मैंने। अच्छा एक और बात, इसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल है, पर इसको क्या करते हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल बचा, तो पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, कोई सा मल्टीप्लाई करने के बाद। आप क्या करो, इसको लिखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस थ्राइस ऑफ C2O4 2 नेगेटिव प्लस 7H2O, और एक बार लिखने के बाद आप चेक कर लो कि भाई इधर वाले सारे पार्ट लिख लिए क्या मैंने, और वो भी इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, वो एक बार अच्छे से चेक कर लो आप, ठीक है। और उसके बाद आप इधर बन, तो इधर तो ये हो गया अपने पास ट्वाइस ऑफ सीआर प्लस 3 और थ्राइस ऑफ CO2 हो जाएगा अपने पास, मैं इसको हटा रहा हूं, ये ट्वाइस ऑफ CO2 था, तो अपने पास 6 ऑफ CO2 हो गया अपने पास, प्लस क्या आ गया अपने पास 14H2OH माइनस, लो भाई आपका रिएक्शन कर, That is the balance reaction. देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को बैलेंसिंग में, राइट ना, तो आप ये बता सकते हैं। अब ये सारे स्टेप्स आपको स्कूल में लिखने, अपन तो क्या करते थे, अपन तो सीधा सीधा लिखते थे भाई, आपने मुझे रिएक्शन दिया, हमने रिएक्शन को ऐसे कर लिया, ये रिएक्शन हो गया, हमने तो एक बार क्या किया C2O4 को 2 नेगेटिव लिया CO2 के साथ, पहले एटम बैलेंस कर दिए अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसके बाद सीधा ऑक्सीजन बैलेंस था तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिया, फिर उसके बाद हमने तो दूसरा रिएक्शन कर दिया Cr2O7 2 नेगेटिव,
उसके बाद अपन को क्या करना है, प्लस थ्री। पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, कर दिया, उसके बाद 7H2O लिख दिया। लो भाई ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करूं, हाइड्रोजन बैलेंस, इधर हाइड्रोजन है नहीं, उधर 14 हाइड्रोजन थे, तो मैंने 14 OH माइनस आयन ऐड कर दिया। 14 हाइड्रोजन और 14 OH माइनस आयन मुझे 14 वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे। लो भाई 14 वाटर मॉलिक्यूल आ गया। अगर मैं चाहूं तो ये रिएक्शन में अपन चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। पहले इस पे माइनस 2 है, इस पे प्लस 6 है, इस पे माइनस 14 है, इस पे माइनस 2 है, तो मैंने क्या किया, इधर माइनस 8 बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। लो भाई अपना रिएक्शन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दिया। तो ये अपना रिएक्शन बैलेंस हो गया था, उनको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अगर ऐसे स्कूल में लिखेंगे कोई मार्क्स नहीं लगेगा, देखो, ठीक है ना। तो ये आपको स्कूल में आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा, दैट इज द मेथड यू हैव टू यूज इन द स्कूल। अदरवाइज ये मेथड तो फिर फटाफट ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आया, राइट ना। अगर स्कूल में नहीं लिखना है तो अपन बैलेंस ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अपन को बैलेंसिंग पूछेंगे। अब मैं एक और थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरे एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, वो टर्म यूज करते हैं। एक होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन ठीक है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि सेम रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और सेम रिएक्टेंट का रिडक्शन भी हो, राइट। सो व्हेन ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस from the same reactant. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था, ऑब्वियसली बात है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो रिडक्स रिएक्शन। सेम रिएक्टेंट देन इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। वो अपन बाकी लिख लेते, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास Fe2+ है, ठीक है, मेरे पास Fe2+ है। अब Fe2+ में मैंने क्या किया, इसको एक बार Fe+3 में कन्वर्ट कर देता हूं, एक बार इसको Fe+2 में कन्वर्ट, एक बार Fe में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अब इधर से इधर देखोगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां पर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आपने क्या किया, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। भाई आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही आयन से ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। ये यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन हो गया। तो फिर इसको ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, इसको रिडक्शन लिख लेते हैं। तो मतलब एक ही रिएक्टेंट का अगर ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए तो अपन उसे कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब अपन को गिवन कैसे होगा, तो ऐसे गिवन होगा, Fe ना Fe+2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, Fe ना +2, ये +2 था ना, तो ये Fe+3 में भी कन्वर्ट हो रहा है और एक बार Fe में भी कन्वर्ट हो रहा है। अगर ऐसे गिवन होगा तो अपन कहेंगे अच्छा इधर भी Fe, इधर भी Fe, इधर भी Fe, इसका मतलब है चलो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। ये तो एलिमेंटल फॉर्म है, Fe तो एलिमेंटल फॉर्म होता है, तो ये जीरो हो जाएगा ना, वो तो एलिमेंटल फॉर्म है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज भी किए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन भी किए, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो अपन कहेंगे अच्छा ये तो बड़ा इजी है, इसमें क्या है, कोई भी ऐसा एटम हो, आयन हो, जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, कोई भी मेटल ले लो भाई, इधर से ये एक बार कॉपर +2 बना देता हूं, एक बार कॉपर बना देता हूं। तो जब कॉपर +2 होगा तो मतलब लोअर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया,
यहां पर लॉस किया। अच्छा तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्स प्रोसेस होते हैं, तो फिर तो रिडक्स प्रोसेस पता चलता है। फिर अपन कहेंगे अच्छा कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे, तो अपन कहेंगे बहुत सारे हो सकते हैं। अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास गिवन है KiO3 है ना, तो KiO3 ये प्लस 5 में है, तो अपन कहेंगे कुछ ऐसे करो आप कि ये IO4 माइनस में चला जाए, तो ये तो प्लस 7 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर ये क्या बना ले आई नेगेटिव बना ले, तो अपन कहेंगे यहां पर तो इसने क्या किया प्लस और बढ़ रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ये प्लस 5 से प्लस 7 में कन्वर्ट हो गया, और ये प्लस 5 से माइनस 1 में कन्वर्ट हुआ। माइनस 1 का मतलब क्या हो गया कि पहले 5 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे इसने, तो प्लस 5 जीरो हो गया होगा, एक और इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो फिर माइनस 1, मतलब यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे देखा जाए तो अपन ऐसे बता सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन का गेन है या इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो अपन बता सकते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो अपन उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अपन क्या करेंगे उस एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं भाई, और बैलेंस करके चेक कर लेते हैं कि कैसे अपन को बैलेंस करना है। तो मैं एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो सपोज मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं और बैलेंस करते हैं। मेरे पास गिवन है KCl3, मैंने इसको H2SO4 से रिएक्ट करवाया, ये कन्वर्ट होता है KHSO4, ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है ClO2 में, और ये कन्वर्ट होता है HClO4 में, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है HClO4, और वाटर मॉलिक्यूल हम अपने आप लिख सकते हैं, वो अपन को पता है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें हम कहेंगे कि नहीं पहले मुझे पहचानना है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, ये सल्फर सेंट्रल एटम, इधर भी सल्फर सेंट्रल एटम, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, उधर भी क्लोरीन, क्लोरीन एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बना रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये प्लस 5 है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैलकुलेट करना बहुत सरल होता है, राइट, वो प्लस 5 है, ये प्लस 4 है, ये भी अपन को कैलकुलेट करना आता है, और ये प्लस 7 है, ये भी अपन को कैलकुलेट करना होता है। किसी को डाउट है तो बोलो, जिसको कैलकुलेट करना नहीं आता, मुझे लगता है अपन सबको कैलकुलेट करना आता है, किसी को डाउट है क्या जिसको कैलकुलेट करना नहीं आता है, अगर किसी को डाउट होगा तो वो बताएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है ना, फिर ट्रस्टेबल सीरीज वगैरह सब। अब अपन क्या करेंगे, एक प्लस 5 से प्लस 7 मतलब बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज, देन इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और अगर ये प्लस 5 से प्लस 4 में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो रिडक्शन हो गया, और प्लस 5 से प्लस 7 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो फिर सल्फर को भी चेक करो ना, क्योंकि इधर भी तो हो सकता है ये प्लस 6 है और इधर भी प्लस 6 है, नहीं भाई अगर दोनों जगह सेंट्रल एटम एक जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल नहीं है, ये पता है, सबको समझ में आया, मतलब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं है, रिएक्शन तो रिडक्स है, इधर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया आपने, इधर इलेक्ट्रॉन गेन किया आपने, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शन। बैलेंस कैसे करना है तो आपने बताया तो था कैसे बैलेंस करना है, KClO3 है, बैलेंस कर दो एक बार ClO2 के साथ और एक बार KClO3 को, क्योंकि इसी से ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी से रिडक्शन हो रहा है, ये लो भाई बैलेंस। अब अपन क्या करेंगे, बैलेंस ही करना है या मतलब आपको मीडियम भी बताना है, तो अपन कहेंगे अब एसिड लिखा है तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस होगा, कर दो, अपन को तो बड़े अच्छे से पता है एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन वाटर से हाइड्रोजन H+ चलो देखते हैं कैसे, Cl बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस नहीं है तो ठीक है KHSO4 लिख लो, अभी KHSO4 लिखूंगा तो फिर सल्फर बैलेंस नहीं होगा तो H2SO4 लिखो, क्या प्रॉब्लम, ये लो सल्फर पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस है, या क्लोरीन एक है या भी एक है, पोटेशियम एक है या भी है, सल्फर एक है वहां भी है, बैलेंस है दोनों। अब क्या करें, ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहां 7 ऑक्सीजन या 6 ऑक्सीजन तो एक H2 बन,
लोग सेवन हो गया ऑक्सीजन तो। आप क्या करें, हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन इधर कितने टू और इधर कितने थ्री, तो फिर इधर एच प्लस एन ऐड करो, प्लस वन इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, क्योंकि उधर चार्ज जीरो था, एक ही एच प्लस एन था ना, बैलेंस कर दिया, चार्ज बैलेंसिंग अपवाद। इधर चलो इधर बैलेंस कर देते हैं, इधर पोटेशियम बैलेंस नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, क्या चेस फोर ले लो, इधर वाले इधर ले सकते हैं, इधर वाले इधर ले सकते हैं बैलेंस, वो अपन को पता है सीएल बैलेंस पोटेशियम बैलेंस, लेकिन इसमें सल्फर आ गया क्योंकि इसके अलावा कोई पोटेशियम बैलेंस करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है ना, तो उसी को लेना पड़ेगा आपको, तो फिर उसमें तो सल्फर आ रहा है, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, आप सल्फर इधर बैलेंस कर लो, ये लो H2SO4 सल्फर बैलेंस, तो क्लोरीन बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, सल्फर बैलेंस, अब क्या ऑक्सीजन, इधर सेवन इधर एट, ठीक है तो इधर एक ऑक्सीजन कम है ऐड करो, इधर भी अब सेवन हो गए, इधर भी एट हो गए, उधर भी एट हो गए, अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, इधर हाइड्रोजन टू इसमें है, टू इसमें फोर, और इसमें एक इसमें और एक इसमें दो, किस तरफ हाइड्रोजन कम है उस तरफ, क्योंकि यहाँ टू इधर है, टू इधर है, फोर इधर, एक इसमें है, एक इसमें है, टू, तो अपन कहेंगे टू ले, हाइड्रोजन एटम ऐड कर दो, लो भाई ऐड हो गए, अब क्या चार्ज बैलेंस, लो कर दिया मैंने चार्ज बैलेंस, हो गया बैलेंस, समझ गए, अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे और क्या करोगे, दोनों रिएक्शन, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करो और इसको वन से मल्टीप्लाई करो, ये लो भाई टोटल ऑक्सीडेशन बैलेंस, इधर ऊपर कहेंगे टू से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो जाएगा, और इधर टू एच प्लस आइन है और इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कैंसिल हो गया, बाकी बचा हुआ देख लेते हैं, KCLO3 कितना आएगा, टू यहां से और एक यहां से, थ्री KCLO3, दो तो दो यहां से एक यहां से, दैट विल बी थ्राइस ऑफ H2SO4 प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल, इधर सारा कुछ लिख लिया मैंने, इधर देखता हूं Cl twice, तो HClO एक ही बार लिख रहा है, HClO4 KHSO4 thrice, दो यहां से एक यहां से, वाटर मॉलिक्यूल ट्वाइस, तो इसको कैंसिल कर, ये लो आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल बच गया, इट्स बैलेंस रिएक्शन, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, देन वी विल बैलेंस इन द सेम मैनर, बस हमें क्या पता होना चाहिए ये वाला कांसेप्ट, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन, भाई है तो रेडॉक्स रिएक्शन ना, बैलेंस तो वैसे ही करोगे ना जैसे आपने बताया हुआ है, कोई बैलेंसिंग थोड़ी चेंज कर लोगे, अब अपन क्या करेंगे, जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है ना वैसे ही ये भी होता है, इसका रिवर्स होता है, ठीक है, इसको अपन ए प्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं और कम प्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं, ये इसका रिवर्स होता है, वो रिवर्स का मतलब क्या, तो रिवर्स का मतलब होता है इसमें क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द सेम रिएक्टर, टेक प्लेस टू द सेम प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन, बाकी बोलिए, अच्छा उसमें कैसे भाई, हाँ तो जैसे अभी आपने लिखा था ना कि Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री उधर लिखे हुए वैसे हैं, तो देखो मैं ना एक बार Fe प्लस थ्री और एक बार Fe टू, Fe है, इन दोनों को रिएक्ट करके क्या बना दूंगा, Fe बना दूंगा, अच्छा तो इसमें आपने क्या किया Fe टू प्लस बनाया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भाई आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए प्लस टू में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया प्लस टू में आ गया, मतलब दो अलग अलग रिएक्टेंट
एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, देन वी विल से दैट इट इज अ कम प्रोपोर्शनेशन या ए प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दो अलग अलग रिएक्टेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, दो अलग अलग रिएक्टेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म्स द सेम प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन और ए प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना. अपने पहले क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था डिस्प्रोपोर्शनेशन में कि एक रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा था, अब दो रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो देखो ऐसे बना सकते हैं. मान लो मैं आपसे कहूं मेरे पास ऐसे, मैंने आपसे कहा कि अभी कोई दूसरा ले लेता अपन भाई, एसन प्लस फोर और टेन दोनों मिला के, मतलब सीधी सीधी बात है. यहां भी आप ये कहोगे कि कोई भी मेटल अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मैं उसको एग्जाम्पल में लगा. यहां पर इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और वहां पर क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. टू इलेक्ट्रॉन गेन किया तो प्लस टू में चला गया होगा. ठीक है भाई, मान लिया. यहां पर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं. जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है, मेरे पास एक बार सीएल नेगेटिव है और एक बार मेरे पास यहाँ सीएलओ थ्री नेगेटिव है, तो ये तो प्लस फाइव हो गया और ये माइनस वन हो गया. इन दोनों को रिएक्ट करके मैंने सपोज करते हैं कि अपन आई टू बना, सीएल टू बना देते हैं. हाँ ठीक है, तो ये जीरो है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ होगा क्योंकि माइनस से जीरो हो रहा है, और यहां प्लस फाइव से जीरो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, पांच इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया. Then that will be a disproportion. चलो एक रिएक्शन लेके देखते हैं और बैलेंस करके देखते हैं. वैसे तो बैलेंसिंग अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी एक रिएक्शन ले लेते हैं और चलो बैलेंस करके चेक करते हैं. हमें ये समझ में आ गया कि कम प्रोपोर्शनेशन या ए प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है. हमारे लिए कम प्रोपोर्शनेशन या ए प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि भाई यहां पर मेरे पास दो अलग अलग रिएक्टेंट के बना, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दो अलग अलग रिएक्टेंट गिवन होंगे इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक का रिडक्शन हो जाए और एक का ऑक्सीडेशन हो जाए और प्रोडक्ट सेम बनाए दोनों, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इसको ना, क्योंकि मुझे पोटेशियम बैलेंस करने के लिए HCl चाहिए पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा इसको I2 लिख लेता हूं. ठीक है ना भाई, आयोडीन है तो ये तो जीरो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अगर अपन देखें तो भाई ये माइनस वन से जीरो हो गया, और तो साफ साफ दिख रहा है माइनस वन से जीरो. माइनस वन का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन था, जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहां प्लस फाइव से जीरो, इसका मतलब प्लस फाइव था और जीरो तक आगे. अच्छा तो प्लस फाइव में एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो प्लस फोर, एक और डाल देता हूं तो प्लस थ्री, एक और एड करो तो प्लस टू, प्लस वन और एक और ऐड करूंगा तो जीरो, मतलब पांच इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा. तो ठीक है, अलग अलग रिएक्टेंट है, एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और प्रोडक्ट सेम बना रहे. दिस इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन. डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा इसको इधर लिखते तो डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते. तो दिस इज कॉल्ड द कम प्रोपोर्शनेशन या फिर ए प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो बैलेंस कर देंगे फिर रिएक्शन को. लो भाई आप बस ये बता दो बाकी और कौन से प्रोडक्ट हैं, तो हमें बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बैलेंस कर देंगे राइट. तो अपन कैसे करेंगे बैलेंस, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ेगा, एक बार मैं के आई को आई टू के साथ ले लेता हूँ और एक बार मैं के आई ओ थ्री को आई टू के साथ ले लेता हूँ और बैलेंस कर दूंगा, क्योंकि इसको भी इसी में कन्वर्ट होना है, इसको भी इसी में कन्वर्ट होना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो बैलेंस कैसे करोगे, तो उसमें क्या है, पोटेशियम पहले आयोडीन को बैलेंस कर देता हूँ, वो सेंट्रल एटम है, लो भाई बैलेंस हो गया. अब पोटेशियम तो अपन कहेंगे आपने वहां पर दे दिया तो है, पोटेशियम के सीएल है तो सीएल आ गया, कोई बात नहीं मैं सीएल ले लूंगा, क्योंकि इस तरफ वाले इसी तरफ ले लूंगा. तो पोटेशियम तो ट्वाइस था तो मैं कहूंगा ट्वाइस ले लो, तो यहां पर अगर ट्वाइस पोटेशियम है तो दो सीएल हो गए, तो दो सीएल इसको ले लो,
क्या प्रॉब्लम है? अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, जैसे तुमको पता है क्योंकि ऑक्सीजन तो दिख ही नहीं रहा इधर, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर देता है भाई। तो दो हाइड्रोजन है उस तरफ, तो आइजो एच प्लस एन, टू इलेक्ट्रॉन, लो भाई अपना रिएक्शन बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे कि आईओ थ्री है और आई टू के साथ रिएक्ट करेगा, तो आई टू बना रहा है तो पहले तो आप आईडीन को बैलेंस करो, लो भाई बैलेंस हो गया। अब क्या पोटेशियम करो भाई, ट्वाइस ऑफ केसीएल बना दिया, और ट्वाइस ऑफ केसीएल लिखोगे क्योंकि दो पोटेशियम थे इसलिए आपको ट्वाइस ऑफ केसीएल लेना पड़ा, तो सीएल आ गया, लो भाई ट्वाइस ऑफ एचसीएल करना पड़ेगा। अभी आईडीन बैलेंस, पोटेशियम ट्वाइस बैलेंस और सीएल ट्वाइस बैलेंस। अब क्या करें, इसमें तो ऑक्सीजन है, आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं ऑक्सीजन बैलेंस कर देता है। कितना ऑक्सीजन है, दैट्स 6 है ना, तो 6 ऑक्सीजन के लिए अपन क्या करेंगे, 6H2 लिखेंगे, बैलेंस हो गया। आप हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर 12 हाइड्रोजन है, तो ठीक है मैं यहां पर क्या करता हूं, 10 H+ है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस कर लो, उधर पूरा जीरो है, तो 10 इलेक्ट्रॉन कर देता, लो भाई अपना आंसर आ गया, बैलेंस हो गया ना। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर तो अपन को पता है अपन को क्या करना होता है। अगर अपन से कोई कहेगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज आया, तो अपन कहेंगे दोनों तरफ 5, क्योंकि अपन क्या करेंगे, इधर कितना आ रहा था अपने पास है ना, ये वाला हो गया, तो अपन कहेंगे मैंने गड़बड़ किया था, हाँ ठीक तो है, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, इधर 10 आ रहा था तो मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं, इधर 2 आ रहा था, अपन क्या करें इसको एक नंबर सूटेबल नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, ताकि ये मेरे पास 5 हो जाए और ये मेरे पास 16 हो जाए, ये लो भाई रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, और 2 5 10 10 इलेक्ट्रॉन तो ये कैंसिल हो गए, और मेरे ख्याल से अपन ये भी 10 आएगा, ये ऑलरेडी 10 है, और ये 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, अभी कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं, चलो भाई ऐड कर दो, विच इज योर बैलेंस, कोई बात नहीं आ गया अपना बैलेंस रिएक्शन है ना। इधर से अपन बता सकते हैं ट्वाइस ऑफ के है, मैं एक बार देखना, आप ट्वाइस ऑफ के है 5 से मल्टीप्लाई करना था, 10 के है 5 से मल्टीप्लाई भी करना है इसको, 10 के है, ये ट्वाइस ऑफ के है ये, क्योंकि वहां 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर 5 टू जट 10 प्लस 2 12 12 ओवर सीएल, इट गिव्स यू 5 प्लस ये 1, तो 6I2 प्लस ये 10 प्लस 12 केसीएल प्लस 6H2O, ये आया मेरे पास। अब अपन क्या करेंगे, अपन को ना सारे के सारे जो मोलर कोफिशिएंट है ना, ये वाले नंबर्स इवन नंबर्स, तो हमेशा किसी भी बैलेंस रिएक्शन में ना आप वो नंबर लिखना जो सिंपल मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करे। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के लिए मैं सबको किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये अपने पास 5 आ गया, ये अपने पास 1 हो गया, 2 से डिवाइड किया, ये अपने पास 6 हो गया, ये अपने पास 3 हो गया, ये अपने पास 6 हो गया, और ये अपने पास, ये आपका बैलेंस रिएक्शन है, पर इसको प्रेडिक्ट कर देंगे, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन, समझ में आया सबको कैसे अपन को कम प्रोपोर्शनेशन और डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या डिफरेंस है, बोथ आर रेडॉक्स रिएक्शन, तभी तो अपन ने बैलेंस किया, ये आपके बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट? अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर आप बताओ, अपन आगे कॉन्सेंट्रेशन टॉप पढ़ेंगे, और किसी को अगर डाउट है तो वो बताएगा कि हमको डाउट है। मेथड आपको समझ में आया सबको, किसी को डाउट नहीं, कोई अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा किसी को डाउट नहीं,
नो डाउट, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो अब जब सब कुछ समझ में आ गया ना मेथड, तो अब मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा, उससे किसी भी रिएक्शन को अपन रिएक्शन को देखते ही हमको ये नंबर तो पता चल जाएगा कि ये मोलर कोफिशिएंट क्या, मतलब ये सारा लिखने से पहले ही मुझे पता चल जाएगा कि वहां क्या लिखना है रिएक्शन को देखते ही। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ना पड़ेगा, हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे और वापस हम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन को रिएक्शन देखते ही पता चल जाता है कि इन रिएक्शन के मोलर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखना बड़ा इजी होता है। लेकिन उसके लिए अपन को नॉर्मलिटी वाला एक छोटा सा पार्ट पढ़ना होता है जिसको अपन एन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, तो उससे अपन रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, वो मेथड अपन अप्लाई करेंगे। लेकिन उस मेथड को सीखने के लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना होता है कि भाई हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस रिएक्शन को ना आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ, इसी रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से समझ सकते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो अपन को थोड़ा और एन फैक्टर को डीप में पता होना चाहिए, तब अपन यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर किसी जगह आप रुक गए और कहोगे सर मेरा वो वाला पार्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूँ, मतलब एक रिएक्शन बैलेंस करके दिखाता हूँ, आराम से समझ में आएगा। अभी भी यू आर रेडी, 90% आप रेडी हो उसको समझने के लिए कि देखते ही मुझे पता चलेगा मुझे क्या लिखना। अब देख लिया, अब बताओ क्या करें, मोलर कोफिशिएंट कैसे पता चलेगा। देखो मुझे यह पता था ये सेंट्रल एटम में माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जीरो है, इसने ना क्या किया माइनस वन से जीरो मतलब लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये प्लस फाइव था और वो जीरो था, ये अपन को पता था, तो अपन कहेंगे इसने गेन ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन। क्या किया था रिएक्शन जो लिखे थे ना हाफ रिएक्शन, उसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, बाद में अपन ने क्या किया था बनाया था ना डिवाइड करके सिंपल रेशियो, वो तो मुझे पहले से ही पता था, उतना रिएक्शन लिखने की जरूरत क्या थी। और फिर क्या करते हो आप, कहते हो रिएक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, पता इन नंबर को ही मैं बोलूंगा एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर ये है और इसका एन फैक्टर ये है। एन फैक्टर रेशियो, ये इनके एन फैक्टर रेशियो है 1:5, एन फैक्टर रेशियो जो थर्ड होता है वो हमेशा मीडियम होता है, वो कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि एक में रिडक्शन एक में ऑक्सीडेशन होता है, थर्ड मीडियम ही होता है। एन फैक्टर रेशियो जो होगा ना, रेशियो इज रिवर्स ऑफ मोलर रेशियो, मतलब ऐसे अपन को पता रहेगा एन फैक्टर रेशियो इज रिवर्स ऑफ मोलर रेशियो, तो अपन कहेंगे उसमें क्या याद रखना, वो तो बात सही होगी, वो क्यों भाई आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था एक और गेन हो गए 5, ये कौन सी बात, प्रिंसिपल तो ये होता है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो उतने ही गेन हो, तो ठीक है अपन ऐसे कर देंगे भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा ना एक मॉलिक्यूल, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो भाई, एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, तो 5 मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पता अपन ने क्या किया, अपन को ये पता था कि दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो अगर मान लो ए के पास ए प्लस बी 2 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, तो यहां मल्टीप्लाई करने के बजाय अपन ने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बोल दिया
कि देखो मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि अपन क्या बता पाए कि एक इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दो मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और वो दो नंबर कहां से आ जाएगा, टू नंबर अपने पास यहां से आ जाएगा। और यहां पर अपन क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो तीन मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिक्स, और वो थ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, यहां से आ गया। मतलब हमें क्या आना चाहिए, एन फैक्टर। अगर मुझे किसी के एन फैक्टर पता है रिएक्शन में तो मैं रिवर्स करके मोलर रेशियो से बना दूंगा। एन फैक्टर कैलकुलेशन में थोड़ा सा फिर और वेट करना पड़ेगा तो एन फैक्टर कैलकुलेशन में सारा आ जाएगा। अब देखो एन फैक्टर से जो इनका मोलर कोफिशिएंट आएगा ना वो बिल्कुल फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होता। मतलब एन फैक्टर रेशियो अगर मुझे पता है तो मोलर रेशियो भी मुझे पता है, वो फिक्स है। बाकी आप बैलेंस करो, इसका मोलर कोफिशिएंट और इसका मोलर कोफिशिएंट, दोनों में आयोडीन कितना है, फाइव इसमें है, एक इसमें सिक्स, लो बैलेंस। पोटेशियम कितने थे, इधर एक है और इधर पांच, लो बैलेंस हो गया। इतना बैलेंसिंग हो गया तो मेरे तो रिएक्शन ही बैलेंस हो जाएगा भाई, मुझे पता है छह सीएल है, लो हो गया, छह हाइड्रोजन है, लो हो गया, रिएक्शन बैलेंस। यही तो आपने उतना सब लिख के लिखा था, बैलेंस रिएक्शन। मतलब अपन को क्या देखना था, सिर्फ अपन को ये देखना था ये माइनस वन से जीरो एक इलेक्ट्रॉन, ये माइनस प्लस फाइव से जीरो पांच इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एन फैक्टर फाइव, इसका एन फैक्टर वन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिएक्शन करो। सबको समझ में आया राइट ना, तो इसको भी और इजी वे में अपन थोड़ा सा नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे ना तो उसमें अपन को और इजी वे में। ये कंप्रोपोर्शनेशन था, डिसप्रोपोर्शनेशन है, आप कोई भी रिएक्शन दे दो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो अपन क्या करेंगे, आपने इतने इतने मेथड बताए और मैं तो सीधे ही बता सकता था आपको कि देखो ऐसे बैलेंस हो जाएंगे रिएक्शन, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता देता। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होता, क्योंकि स्कूल में कोई मार्क्स नहीं मिलता और कहीं ना कहीं मुझे मेथड की जरूरत पड़ेगी। मतलब कहीं तो ऐसा पार्ट आएगा जहां मैं कहूंगा ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, तुम गलती करोगे। क्योंकि जब यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे ना, बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो तुम गलती करोगे, और वहां अगर गलती की तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपन को फिर पढ़ने का फायदा नहीं होगा। इसलिए अपन इसको केओएच लिखते हैं और बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, ऐसे मुझे गिवन है, लो भाई बैलेंस करते हैं। ये प्लस सेवन है, ये प्लस फोर है, लो भाई एन फैक्टर थ्री आ गया, ये माइनस थ्री है, ये प्लस फाइव है। डिफरेंस माइनस थ्री से प्लस फाइव, इसका मतलब है कि ये तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जीरो, पांच और लूज करेगा तो प्लस फाइव। समझ रहे ना इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये थ्री और फाइव का डिफरेंस नहीं लेना, अपन को ये देखना है ये माइनस है और वो प्लस है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस थ्री से प्लस फाइव, ओके, माइनस थ्री से प्लस फाइव का मतलब है इसने एट इलेक्ट्रॉन लूज किए। लो भाई अपना आंसर क्वेश्चन, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये कैलकुलेट करना आता है तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। एन फैक्टर रेशियो इज रिवर्स ऑफ मोलर रेशियो, क्योंकि इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा इसको एट से, ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। एट से मल्टीप्लाई किया, 24 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल तीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एट मॉलिक्यूल 24, एक मॉलिक्यूल एट इलेक्ट्रॉन तो तीन मॉलिक्यूल, ये इसी का रिवर्स लिख दिया, बैलेंस हो गया। एम एन एट हो गया, एन एट हो, एन थ्री हो गया, फाइव हो गया। अब एक मिनट है, ऐसे देखना अपन इसमें एक पार्ट और बोल सकते हैं, उधर पहले उन एटम को बैलेंस करो जिनमें चेंज आया था, एमएन में चेंज आया एट है, कर दिया। नाइट्रोजन में चेंज आया ना, अपन ने नाइट्रोजन से ही तो एन फैक्टर कैलकुलेट किया, तो आप नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करो, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करूंगा तो कर दिया, वरना अपन क्या कहेंगे, फिर मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा कि इधर एट आ गया पोटेशियम, चलो इधर एट लिख देते हैं, तो फिर वो पोटेशियम का क्या करें, KOH गलत हो जाएगा ना। तो अपन ऐसे कभी गलती नहीं होगी, पहले अपन किन एटम को बैलेंस करेंगे जिनमें चेंज आया। इधर एमएन में चेंज आया था तो इसका मोलर कोफिशिएंट एट आया तो मैंने एट लिखा,
इधर एन में चेंज आया तो एन इसमें थे, तो इसका मोलर कोफिशियंट कितना 3 है, तो मैंने एन का मोलर कोफिशियंट 3 लिखा। जब एन का मोलर कोफिशियंट 3 लिखा तो 5 अपने आप बैलेंस, 5 पोटेशियम बैलेंस अपने आप हो गए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एन का मुझे 3 लिखना था। अब मैंने पोटेशियम चेक किया क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पहले, उनको बैलेंस करने के पहले बाकी एटम बैलेंस होना चाहिए, तो पोटेशियम 3 तो इधर आ गए, तो बाकी कितने बचे हुए हैं 5, तो मैंने इसको 5 लिख दिया। अब क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भी बैलेंस कर दो, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये 24, 9, 16, 5 ये लो बैलेंस हो गया। अपन सारे रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, वो सब मेथड लिखने की जरूरत नहीं, वो स्कूल के लिए तो कितनी देर परेशान हो रहे थे, पर उधर दिखे सब सारा मेथड एक साथ लिखा हुआ, उसमें है क्या बैलेंसिंग, उनको कुछ करना थोड़ी, रिएक्शन देखते देखते ही पता चल। हाँ, अपन को थोड़ा सा एन फैक्टर में और थोड़ा सा डिटेल जाना, 10% और बचा एन फैक्टर कैलकुलेशन, क्योंकि अगर ये मेथड यूज करना है तो फिर अपन को ये बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई तो अपना रिएक्शन गलत हो जाएगा, उससे अच्छा तो अपन मेथड ही फॉलो कर लेते हैं, दो रिएक्शन ही तो लिखने थे, हाफ रिएक्शन। लेकिन एक बात है, जो हाफ रिएक्शन आप लिखोगे ना, उन हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो यही ऐड होते हैं, तो अभी अपन मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये कम प्रोपोर्शनेशन डिसप्रोपोर्शनेशन ये भी बताऊंगा, अब आप थोड़ा सा वेट कर लो बस। अब अपन चेक करते हैं कुछ, अब अगर अपन ये आप सॉल्व करो शीट से सारे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, अब अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। चलो कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपन को पढ़ने होते हैं वो होते हैं, मतलब यू कैन राइट हियर कि भाई एक तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपन को पढ़ना होता है मोल फ्रैक्शन, दूसरा वॉल्यूम फ्रैक्शन, इसी भी लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन था तो अपन को जरूरत नहीं थी, है ना, अलग अलग, और इसको अपन ना फ्रैक्शंस को ना एक्स से डिनोट करते हैं, जो भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा अपन को लिखना होता है दैट इज विल राइट दैट मोलारिटी, एक होगा दैट इज नॉर्मलिटी, एक होगा मोलालिटी। तो मोलारिटी को अपन कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, नॉर्मलिटी को एन से डिनोट करेंगे और मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, और एक और अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसे, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, इसको अपन स्मॉल में पीपीएम लिखते हैं, ये कोई यूनिट नहीं है, ये तो ये भी एक तरीके से फ्रैक्शन ही है पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन वो यूज करेंगे तो उस नंबर को 1 million is 10^6 भी होता है, तो वो थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा कि हम कब यूज करेंगे पार्ट्स पर मिलियन वर्ड को, तो वो अपन आइडिया एक बार देख लेंगे। अब मैं आपको मोल फ्रैक्शन से शुरू करता हूं, ठीक है ना, पहले अपन मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया, इसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं फ्रैक्शन को, ऑब्वियसली बात है पहले लिखा, तो अपन क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का मतलब है सपोज विल राइट दैट, तो अ फ्रैक्शन ऑफ, तो विल राइट इट इज द रेशियो, मतलब मैं शॉर्ट में लिखने की बजाय अपन स्कूल के हिसाब से लिखते हैं, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस with respect to the total moles present in the ratio, ठीक है, that is called mole fraction,
तो अपन क्या लिखेंगे भाई, ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज अब मिक्सचर कंटेन टू मोल्स ऑफ ओ टू एंड थ्री मोल्स ऑफ हीलियम. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच. मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच. सभी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बताने हैं. बता देंगे कैसे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपने कहा मेरे पास एक सैंपल है मिक्सचर, उसमें अब ना नंबर ऑफ मोल्स अपन को याद है ना, एन से डिनोट करता है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स. तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू कितना है 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना है 3, है ना. तो अपन लिखेंगे भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू कितना है, O2 will be equal to, ऐसे NO2 कर देता हूं मैं, that is equal to 2. और number of moles of helium कितना है, तो मैंने उसको NHE कर लिया, that is equal to 3. तो mole fraction कितना होगा, तो अपन लिखेंगे mole fraction of O2. ऐसे भी लिख सकता हूं mole fraction of O2. वो जल्दी से शॉर्ट में लिखने की हैबिट है, लेकिन आप बिल्कुल बाद में लिख लेंगे भाई ये सब क्यों लिखना, सीधा ऐसे लिखोगे तो O2 के मोल फ्रैक्शन हो गया, राइट. तो अपन क्या लिखेंगे, अब डेफिनेशन पे आते हैं. तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ना ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखेंगे अपन, दैट इज हीलियम. तो अपन क्या लिखेंगे XHE, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम divided by number of moles of O2 plus number of moles of what is that, helium. ये ना भाई, मतलब moles of a substance, ratio of the moles of one substance divided with respect to the moles of total moles present in the sample or the mixture is called mole fraction. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो आप ऐसे बता दोगे मुझे mole fraction of O2 will be equal to 2 by 2 plus 5 2 plus 3, that is 2 by 5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 3 by 2 plus 3 इज इक्वल टू 3 by 5. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एक्स ऑफ एच ई प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू विल बी इक्वल टू 1. मैंने शायद पहले भी आपको बताया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सम, the sum of the mole fraction of all the substance present in the sample will always be equal to 1. Sum of the mole fraction, अगर सभी के mole fraction लेंगे, obviously बात है इसमें आप 4 लिखो हमें क्या फर्क पड़ेगा, अगर तो अपन total moles लिखेंगे ना, तो सभी के mole fraction का sum हमेशा क्या आएगा, 1. तो अगर इस, हमें पता है कि ये दोनों present है mixture में और इसका mole fraction मुझे नहीं given होता, इसका मोल फ्रैक्शन मुझे गिवन होता, मोल फ्रैक्शन, और ये गिवन नहीं होता हीलियम, तो अपन को वैसे ही पता था अगर इसका मोल फ्रैक्शन 2 है तो इसका भी 1 है, इसका मोल फ्रैक्शन 2 है तो अपन इसको 2 लिख लेते O2 को, और अपन को पता है दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये 2 नहीं 0.2 ऐसे. तो अपन को पता है कि भाई दोनों का अगर सम 1 होगा तो ये 0.2 है, 0.8 है, अपन को पहले से पता रहेगा. 2 कैसा हो सकता है, मतलब वो 2 लिखा हुआ था इसलिए ऐसे करें 0.2 होना चाहिए ना, क्योंकि फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, फ्रैक्शन का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है भाई, आपने तो एक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल सब्सटेंस ना, तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा मोल फ्रैक्शन का. अब मान लो अपन को गिवन है ये आपने लिख लिया, तो ऐसे ही अगर अपन को वेट फ्रैक्शन या वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करें तो पता है वॉल्यूम फ्रैक्शन में क्या होता है, मोल्स की जगह अपन वॉल्यूम लिख रहे हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे, मैं इसमें ही चेंज करने वाला, अब इसको तो मैं हटा देता हूं क्योंकि अपन ने मोल्स लिखना पहले,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपन को 2 गिवन था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गिवन था अपन को 3, ये अपन ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब अपन वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास वॉल्यूम फ्रैक्शन होता तो इसको बी पार्ट तो अपन कहते कोई बात नहीं, वॉल्यूम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, मोल की जगह बस वॉल्यूम लिख देना, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट इन द मिक्सचर। सपोज अ मिक्सचर कंटेन टू वॉल्यूम्स, मतलब 2 liters ऑफ O2 एंड 3 liters ऑफ, है ना, 3 liter ऑफ हीलियम, कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है भाई, इसका मतलब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ हीलियम। तो इसको वॉल्यूम लिख लेता हूं, वी ऑफ O2, वी ऑफ HE। तो सब कुछ तो वैसे ही लिख रहे हो, मोल की जगह क्या लिख दो, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ O2। वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ हीलियम। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, तो वॉल्यूम लिख लेता हूं, ये वॉल्यूम ऑफ हीलियम, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ हीलियम। तो दोनों एक जैसे थे, इसमें क्या डिफरेंस है भाई, आप पहले क्या ले रहे थे और अपन को गिवन है, इसमें आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ O2 मुझे 2 liter गिवन है और वॉल्यूम ऑफ हीलियम मुझे 3 liter गिवन है, ठीक है। अब इधर तो रेशियो है इसलिए उसका मोल फ्रैक्शन को कोई यूनिट तो होता नहीं है, क्योंकि रेशियो में कहीं यूनिट थोड़ी होगा, इधर वॉल्यूम लीटर्स में, दोनों का वॉल्यूम लीटर्स में है, तो वॉल्यूम यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मोल्स की जगह वॉल्यूम ले लेना है, बस हमारा काम होता है। तो ये वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा, 2 liter डिवाइड बाय 5 liter, 3 liter डिवाइड बाय 5 liter। तो सम फ्रैक्शन का हमेशा 1 रहेगा, सम ऑफ द फ्रैक्शन गिवन इन द सैंपल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समझ में आया, तो अपन मास फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते। तो मैं क्वेश्चन दूं छोटा सा, है ना, एक क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं इस पार्ट पर डाल देता हूं। अब मास फ्रैक्शन के लिए अपन को वॉल्यूम की जगह वेट लिख देना है, बस वो अपन को पता है। तो वेट फ्रैक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिखो, वेट, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वन सब्सटेंस। टोटल वेट प्रेजेंट, अब ये एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, आपको पता है क्या, आप वेट ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल वेट लिखोगे तो वेट फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस आ जाएगा, जस्ट अ फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मीनिंग आपको पता है सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच व्हेन ईच इन द मिक्सचर कंटेनिंग 4 gram of O2, 7 gram of N2 and 2 gram of helium. ये क्वेश्चन बताना आपको मोल फ्रैक्शन से। क्या करेंगे अपन,
पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे अपन, पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना होगा, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय O2 का मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है ना नंबर ऑफ मोल्स। तो 4/O2 होता है 32, 1/8 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.25। फिर अपन को N2 गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है, दैट विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम्स, वेट गिवन है ना, मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मोल्स में कन्वर्ट करेंगे ना अपन, 7/28, ठीक है, 1/4 आया, 1/4, अच्छा 0.285 तो 0.125 आएगा ना मेरे पास, ये तो 1/8 है, 1/4 इज 0.25, राइट ना, विल गेट लाइक दैट। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम भी है अपने पास, अच्छा ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आ गया अपने पास, ठीक है, कितना दिया आपने, वेट इन ग्राम्स, ठीक है। अब आपको पता है अपन को नहीं भी लिखोगे बार बार वेट इन ग्राम्स मॉलिक्यूलर वेट तो भी चलेगा, 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 तो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, दैट इज वी कैन राइट दैट द टोटल मोल्स कितना है, इन सबका सम टोटल मोल्स है, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास, दैट इज O2 ना, सो 0.125 और डिवाइड बाय मैं लिखूंगा, दैट इज टोटल मोल्स अपने पास आया 0.75 और 0.75, 0.85 और कितना है अपने पास, ये 0.75 है ना, 0.75 और 0.125, राइट ना, 0.875, 875, चलो भैया आ गया अपने पास मोल्स, 1/ कितना है अपने पास, ये 1 हो गया तो ये 2 ना, 1 तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, कितना टाइम जाएगा ये 1/8 और कैसे, टू थ्री और फोर, 9 times, 1/9 times, हाँ कितना जरा, 1/9 times और 1/8 times, देखो जरा एक्स ऑफ एन टू कितना आया अपने पास, मैं वो भी कर देता हूँ, 0.25 डिवाइडेड बाय अपने पास आया, दैट इज, इसमें ना अपन रेशियो ही लिख लेते हैं, 1:2, 2:4 का रेशियो आ रहा है अपने पास, अगर देखा जाए तो ये 1:2, 2:4 का रेशियो आ रहा है, तो बड़ा इजी हो जाएगा अपने पास, ये 7 हो गया, मतलब अपने पास ये आ गया 1/7 और ये अपने पास भी आ गया 0.875, कितना आ गया अपने पास 2/7 और x ऑफ हीलियम भी आ गया अपने पास, कितना 0.5 डिवाइडेड बाय कितना आया 0.875, लो भाई अपने पास 4/7 आ गया, ये लो अपने पास आंसर आ गया, आ गया ना, तो वी कैन राइट मोल फ्रैक्शंस। तो अगर वॉल्यूम गिवन होते अपन को लीटर्स में तो अपन वॉल्यूम फ्रैक्शन लिख लेते हैं, दिस लाइक दिस वी कैन राइट द मोल फ्रैक्शंस, कोई डाउट है, तो अपन मोल फ्रैक्शंस बता सकते हैं, किसी को डाउट होगा तो वो बोलेगा। नेक्स्ट वी कैन राइट इज दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं अपन, बोला है मोलारिटी, अपन मोलारिटी जो होता है ना, अब मैं इसको हटा दूं, अपन को समझ में आ गया क्या कर रहा है अपन को, ठीक है भाई, ठीक है। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी, राइट। तो मोलारिटी हो जाएगा अपने लिए, मोलारिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर वॉल्यूम इन लीटर्स, दैट इज अ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपन ये पर लीटर को ना वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसको वॉल्यूम इन एमएल कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपन लिखेंगे भाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन एमएल पर एमएल आ जाएगा, तो पर लीटर है तो लीटर्स ऊपर जाएगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई किया और पर एमएल कर दिया तो विल गेट दिस, ऐसे तो ना मोल्स पर लीटर बोल रहे ना, राइट, मोल्स पर लीटर को है ना, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था ये है, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो अपन क्या करेंगे, मोल्स पर लीटर अपने पास था तो अपन ने इसको वॉल्यूम में एमएल में कन्वर्ट करना था, तो अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पर एमएल आ जाएगा, तो अपन ने क्या किया, ये हो जाएगा मोल्स इनटू 1000 पर एमएल आ गया, तो पर एमएल आ गया, तो अपन ने ठीक है इसको वॉल्यूम में एमएल कर लेते हैं, तो मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम में एमएल आ जाएगा, ठीक है तो एमएल कर लिया अपन ने, तो मैंने वॉल्यूम में एमएल लिख लिया, मोल्स क्या होता है, तो अपन कहेंगे मोल्स तो मुझे तो सारे मोल्स के कैलकुलेशन पता है, आप बताओ कैसे कैलकुलेट करना है, आप मुझे वेट इन ग्राम दोगे, आप मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोगे, आप मुझे वॉल्यूम एट एसटीपी दोगे, मैं सभी से मोल्स कैलकुलेट करना चाहूंगा, ठीक है ना, तो अपन मोस्टली जो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए मोल्स यूज करते हैं वो होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन एमएल, तो मोलारिटी अपन ये लिख लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोलारिटी अगर अपन लिखेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस, तो फिर मोलारिटी का यूनिट भी अपन यही बता देंगे, मोल्स पर लीटर दैट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई हमारे पास आ गया मोलारिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, ये ग्राम बार बार क्यों लिखता हूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हमेशा ग्राम में लेते हैं ना अपन, और ये फ्रैक्शन है इसलिए अपन को मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, वो आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए बार बार वेट, वरना वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट लिखो ना, वो ग्राम में इसलिए लिखता हूँ कि अगर वेट मुझे मिलीग्राम में गिवन है तो ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, या केजी में गिवन है तो ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, वॉल्यूम में नहीं, लो भाई ये मोलारिटी, ये फॉर्मूला है मेरे पास मोलारिटी का, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल डिवाइड बाय 1000, लिखो आपने इसको यहां मल्टीप्लाई किया इसको डिवाइड किया, तो इक्वल टू क्या लिख लूं, इक्वल टू लिखोगे वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हां तो लिखो हमें क्या फर्क पड़ता है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन क्या करेंगे, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये पार्ट नंबर ऑफ मोल्स है, कैसे भाई, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट तो नंबर ऑफ मोल्स होते है ना, वेट इन ग्राम नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे अच्छा मुझे एक और मेथड पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, अभी तक क्या था वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, फिर क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर और वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4, राइट ना 22.4, अब मुझे क्या पता चल गया मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, अगर आप मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 लिखोगे तो भी मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स बोलूंगा, अगर मुझे किसी का मोलारिटी गिवन है और उसमें वॉल्यूम गिवन है एमएल में डिवाइड बाय 1000 करके भी उसको नंबर ऑफ मोल्स बोलूंगा, करेक्ट है अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना, नंबर ऑफ मोल्स बोलने में ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम लीटर्स में लिख लो तो मैं ऐसे बता सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल डिवाइड बाय 1000, ऐसे भी कर सकता हूं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी टू वॉल्यूम इन लीटर्स कर लो, हाँ लीटर्स करोगे तो 1000 से क्या करोगे आप उसे, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 लीटर मतलब 1000,
तो 1000 लिखूंगा तो ml लिखूंगा तो वी नो दैट, तो वॉल्यूम इन लीटर्स अगर गिवन है तो फिर ये भी नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर ठीक है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं नंबर ऑफ मिली मोल्स। अच्छा मिली मोल्स लिखना है तो अपन कहेंगे ठीक है वॉल्यूम इन ml लिख लो, ये मिली मोल्स हो गए। तो कैसे भाई, ये मोल्स है, जैसे मान लो मेरे पास लीटर्स के बना, तो वॉल्यूम एमएल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? अपन कहेंगे अच्छा एमएल में कन्वर्ट करना है, चलो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये मोल्स हैं तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? मिली मोल्स, 1 मिली इज इक्वल टू, वी नो दैट ना। तो अपन क्या करेंगे, तो इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिली वोल्ट बन जाएगा छोटा ही, तो फिर तो मेरे पास मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ही बचेगा। तो मैंने लिखा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ठीक है? ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बताया। अब मैं कहूंगा ठीक है ये सारा पार्ट आपने कैलकुलेशन के लिए बताया, लेकिन ये मोलारिटी है क्या? मोलारिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, मोलारिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ये ध्यान रखो हमेशा, ये अपने लिए हमेशा ध्यान रखना है। आपने कहा मोलारिटी और मैंने उसे कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, मैं ये पार्ट हटा देता हूं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, ये पार्ट तो बार बार आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। मोलारिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन कहेंगे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन से मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये है क्या ये तो बताओ। तो अपन कहेंगे मान लो मेरे पास ऐसे है, मैंने ना एक जग ले लिया और उसमें पानी डाल दिया 500 ml, ठीक, मैंने पानी ले लिया 500 ml भर लिया, जग भरा मैंने, और इसमें ना 20 ग्राम शुगर डाल दिया, 20 ग्राम शुगर डाल दिया। मैंने तुमसे पूछा इसको ना 20 ग्राम शुगर डाला मैंने 500 ml वाटर में, जरा इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ क्या हो गया? तो अपन का कॉन्सेंट्रेशन क्या, पी के देखते हैं मीठा हो गया तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन, वैल्यू बताओ कितनी होगी, क्योंकि मैंने दूसरा सोल्यूशन बनाया जिसमें 50 ग्राम शुगर डाला, तो अपन कहेंगे वो ज्यादा मीठा है कम मीठा, कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना है। तो अपन से क्या पूछ रहा है वो, मोलारिटी पूछ रहा है, शुगर का मॉलिक्यूलर मास 342 होता है। अभी फॉर्मूले वगैरह में बता होगा आपको, मतलब अभी अपन को सिर्फ फोकस करना है कि आप बता, मतलब मुझे टर्म क्या बता रहे हो आप। तो अपन कहेंगे अच्छा आपने पानी लिया उसमें शुगर डाला और आपने मुझसे कंसंट्रेशन पूछा, लो भाई हो गया, मोलारिटी होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 और कितना वॉल्यूम लिया आपने ml में। तो आपने इसका कंसंट्रेशन मुझसे पूछा, 20 ग्राम शुगर डाला, 342 उसका मॉलिक्यूलर मास है, 1000 और आपने 500 ml पानी लिया था, ये लो भाई कंसंट्रेशन आ गया, ये बोला। तो अपन से कहेंगे अच्छा ठीक है मैंने पानी की जगह NaOH डाल दिया, हाँ तो ठीक है NaOH का मोलारिटी बता दूंगा कि कितना कंसंट्रेशन है उससे। अगर मैं पानी में H2SO4 डालू तो ठीक है H2SO4 का बताओ कितना ग्राम ऐड कर रहे हो आप, मैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बता दूंगा, राइट? अब अपन कहेंगे चलो भाई ठीक है मैंने ये सॉल्यूशन बना रहे थे, अपन को कॉन्सेंट्रेशन मतलब हो गया मोलारिटी अपने लिए। अपन क्या कहेंगे, देखो भाई आपने 500 ml वाटर लिया और उसमें शुगर डाल दिया, मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके बता दिया, O2 आ गया 40/ये अपना मोलारिटी आ गया 40/340, ये अपना मोलारिटी आ गया, राइट? अब अपन क्या करेंगे, मोलारिटी उसको ये मोल्स पर लीटर उसका यूनिट आ गया। अब वो यूनिट वगैरह छोड़ो अपन दूसरा पार्ट देखते हैं, अपन को क्या कर रहे हैं, अपन को ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया ये है क्या। अब ये मान लेते हैं कि मैंने 500 ml वाटर लिया उसमें 20 ग्राम शुगर डाला और उसको डिजोल्व कर लिया, अब मैं इसका रसना बनाने वाला हूं, आराम से पीऊंगा ना बैठ के, राइट? अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा ठीक है
अगर मान लो जो मैंने रसना बनाया उसमें थोड़ा शुगर और डाल दूं तो पता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी तो उतना ही है, तो बढ़ना ही चाहिए, क्यों नहीं बढ़ेगा। आपने वॉल्यूम 500 ml ही रखा है, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होता है, 1000 कांस्टेंट होता है, इसको बढ़ाओगे तो ये तो बढ़ेगा, मतलब वेट बढ़ाने से मोलारिटी बढ़ेगी। ठीक है भाई, मतलब अगर शुगर और ऐड करूंगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं ना 20 ग्राम शुगर डाला मैंने 500 ml वाटर में, अगर इसमें पानी डाल दिया मैंने तो अपन कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा भाई, कम मीठा हो जाएगा तो वो क्यों, तो अपन कहेंगे ये पार्ट आपने 20 रखा, ये कांस्टेंट है, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, तो कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो गई होगा। तो कंसंट्रेशन तो कम हो गई होगा। अच्छा, इसका मतलब डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन कम होता है, तो पहले से पता है आपको कि डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, राइट? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे पता चल गया कि भाई कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी या मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन। अब अपन यहीं रुक जाते हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी कंसंट्रेशन टर्म में मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे सकता। आप एफ और जी को बेसिक मीडियम वाला पार्ट भी सारा पार्ट एक बार और अच्छे से चेक कर लेना, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और अपन क्या करेंगे कि जो आपका एक्सरसाइज, अब आप एक्सरसाइज टू का पहले तो आप एक पार्ट पार्ट करो कि एक्सरसाइज जो वन है ना, एक्सरसाइज वन के पार्ट टू में जो मैच द पार्ट थ्री में मैच द फॉलोइंग है उनको सॉल्व करो आप, एक्सरसाइज वन के पार्ट थ्री को सॉल्व करना है आपको, ठीक है? एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है होमवर्क, पहले मैं आपको लिख देता हूँ होमवर्क ताकि आप गड़बड़ ना करो कि होमवर्क क्या था हमारा। मैं इसको ना थोड़ा रश नहीं करना चाहता, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपन को अच्छे से समझ में आया ना, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपने को क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, एक तो होमवर्क है आपका एक्सरसाइज वन का पार्ट 3, ये कंप्लीट करना है आपको, एक्सरसाइज टू का पार्ट 1 मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज टू के पार्ट 1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 15, वैसे 5 में पहले दे चुका हूं आपको, है तो 5 तक तो किया हुआ है, लेकिन अप टू 15 लिख रहा हूं मैं, वो 5 भी डिस्कस कर दूंगा अगर आप पूछोगे तो। फिर मतलब 10 ही क्वेश्चन हुए ये है, पार्ट 2 से अप टू 10 क्वेश्चन कर लो। पार्ट 3 से भी अप टू 10 क्वेश्चन, मतलब मैंने ये, क्योंकि अपना क्लास सैटरडे को होगा शायद, तो अप टू 10 क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें ना 5 to 15 है, मतलब 10 10 10 और 2 क्वेश्चन इसमें है, वो है आपका। सो इन एनी केस अपने पास है, सो सर इन एनी केस द एडिशन ऑफ वाटर लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियसली एडिशन ऑफ वाटर विल लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, एग्जैक्टली, तो अपन उसको नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करना चाहिए, और पूरा मतलब ये अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? पहले अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, तो कंसंट्रेशन टर्म अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, मोलारिटी नॉर्मलिटी वगैरह।
ठीक है, पर उसको रश नहीं करना चाहते। अगर अपना एक कंसंट्रेशन टर्म अच्छा हो गया तो बाकी सारे भी अच्छे हो जाते हैं। कंसंट्रेशन टर्म तो कंसंट्रेशन है, उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, वो देख लेते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ये आपका होमवर्क है, राइट? चलो, थैंक यू। थैंक यू ओके, वेलकम। बाय सर, बाय बेटा, थैंक यू।